हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी गोलीज। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट पे फिनिशिंग करने वाले हैं, मतलब जो हमने फिनिशिंग कर रखा है उसके बारे में आपको बताएंगे और जो क्लीन कोड कर रखा है उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि हमारी और आपकी कन्वर्सेशन के बीच में बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे उप्स, ये तो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेल पे कि आप मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन बता दीजिए। काफ़ी चीज़ें आई, जैसे यहाँ पे मुझे धनश्री ने एंड नोमन जी ने मुझे कमेंट्स दिए कि कैसे, मतलब अपने प्रोजेक्ट को कैसे हम और फिनिश कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, क्लीन कोड कर सकते हैं, जो मुझे एरर्स हो रहे हैं वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने काफ़ी फिनिशिंग किया है। यहाँ पे इसका डार्क मैंने बैकग्राउंड कर दिया नैब बार का, और अभी हमारा कुछ प्रोजेक्ट ऐसा दिख रहा है। व्यू वॉल प्रोजेक्ट करते हैं तो हमने काफ़ी फिनिशिंग लाई है इसमें। तो ये अब सिस्टम से दिख रहे हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये प्रोजेक्ट हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, और आपको इधर भी फिनिशिंग दिख रही होगी, काफ़ी चीज़ें मैंने सॉर्टिंग किया है, कैटेगराइज किया है अपने अकॉर्डिंग, लाइक टी शर्ट, शर्ट, कोट पैंट, सूट सलवार एंड शूज। तो यहाँ पे टी शर्ट है, टी शर्ट पे टी शर्ट आएगा, शर्ट पे क्लिक करोगे तो शर्ट्स दिखेंगे, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, कोट पैंट पे करोगे तो कोट पैंट दिखेगा, सूट सलवार पे करोगे सूट सलवार दिखेगा, एंड शूज़ पे करोगे तो शूज़ दिखेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉर्टिंग कुछ कर रखे हैं, और ये सॉर्टिंग आप देख, आपको बताएंगे कैसे किया हमने। उसके बाद यहाँ पे भी एक एक अभी फिनिशिंग में एक कोड और करना बाकी है, जो कि अभी ऐड प्रोडक्ट का हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक हम और बटन लगाएंगे जो ऐड प्रोडक्ट का आ जाएगा। अब फॉर्मल शर्ट पे हम क्लिक करते हैं, फॉर्मल शर्ट की डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है। फॉर्मल शर्ट की डिटेल में हमने भी काफ़ी चीज़ ऐड किया, उसको अभी नहीं बता डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल हम फिनिशिंग की बात करते हैं, तो चलते हैं अपने अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और वहाँ पे फिनिशिंग की क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो उस जो पॉइंट को मैंने बताया उसको मुझे ऐड करना है। यहाँ पर मुझे एक और टैग लगाना है, AHREF डबल कोट में, उप्स, यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा हैज, ये मैंने लिख रखा है एक्चुअली, ओके ये मैंने लिख रखा है, तो हम इसी को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करते हैं, या एक काम करते हैं इसको अनकमेंट कर देते हैं। एक्चुअली मैंने इसको लिख रखा था, इस वजह से इसको मैं टाइप नहीं कर रहा था, सो मैं इसको अनकमेंट किया। यहाँ पे क्या क्या हूँ, AHREF जैसे यहाँ टॉप पर है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स पे सारा प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, व्यू ऑल प्रोडक्ट पे। अब यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट का एक बटन ऐड कर दूंगा, वहाँ पे ये URL मैंने दिया हूँ, क्रिएट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्लास सेम क्लास मैंने दिया हूँ, स्टाइलिंग सेम लगभग दिया हूँ, कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर मैंने लिखा हूँ ऐड प्रोडक्ट। अब इसको सेव करके एक बार चेक कर लेता हूँ क्या वहाँ शो कर रहा है कि नहीं। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हमारा ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया। अब ऐड न्यू प्रोडक्ट पे पहले व्यू ऑल प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ व्यू ऑल प्रोडक्ट हो रहा है, ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं। सो ऐड न्यू प्रोडक्ट किया तो यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है, तो इस पर भी थोड़ी सी हम फिनिशिंग करना चाहते हैं, तो ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे सबसे पहले हम क्या करेंगे फिनिशिंग में, देखो फिनिशिंग का मतलब ये हुआ कि चीज़ों को अच्छा करना, मतलब डिज़ाइन करना, स्टाइलिश दिखे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम मतलब कोई बहुत ज़्यादा TS कोड में चेंजेस करें। सो आप इसके लिए परेशान ना हो, HTML अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो आप, अगर आपको मेरा कोड पसंद आए तो। मैंने इसको टेक्स्ट एंटर किया, अब इसको दिखा देते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट सेंटर पे आ गया। थोड़ा सा और मुझे फिनिशिंग करना है इस फॉर्म में, तो मैं इस फॉर्म में एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्टाइल टैग, और यहाँ पे मैं बॉर्डर देने वाला हूँ, बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लू, ओके। नाउ सेव कर देता हूँ और चेक कर लेता हूँ कैसा दिख रहा है, परफेक्ट, ये ब्लू दिख तो रहा है। मुझे इसका कोड चाहिए, तो इसका कोड मैं कैसे लूँगा, यहाँ से ये रहा, मैं इसका कोड पूरा कॉपी करता हूँ, मैं इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन को नहीं, यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड पे आता हूँ और ये ब्लू की जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और ये बहुत सारे पूरे कंपोनेंट से चिपका हुआ आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 10px, आई थिंक इट्स परफेक्ट, सो लेट मी चेक, ओके ओके परफेक्ट। अब देखो 10px का बॉर्डर हो गया, अब ये हमारा फॉर्म प्रॉपरली दिखने लगा,
और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने फूटर पे चेंज किया हूँ, फूटर पे अपना प्रॉपर ये दिया हूँ। रजिस्ट्रेशन का सिंबल लगाने के लिए @REG, मैं आपको नोट पैड पर नोट कर दे रहा हूँ अगर किसी को रजिस्टर का सिंबल नहीं पता तो, @REG कोलन से होता है रजिस्टर, एंड कॉपी करने के लिए @COPY इससे होता है कॉपी का सिंबल। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैं इसको कॉपी करके इसमें देख देता हूँ, ये रहा और इस आर का मतलब हुआ। ठीक है गाइज, तो ये दो सिंबल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मैंने इस पे यहाँ पे asusshop.com कर दिया, टाइटल पे भी हमने asusshop.com किया हूँ, व्यू ऑल प्रोडक्ट पे हमारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अब हम दिखाते हैं ये सॉर्टिंग कहाँ से किए इसको चेंजेस, कैटेगरी नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जेसन पे आना है, db.json पे आके आपको जो कैटेगरी वाला हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है इस पे चेंज करना। ID 1 पे मैंने टी शर्ट दिया, ID 2 पे शर्ट दिया, ID 3 पे कोट पैंट दिया, ID 4 पे सूट सलवार दिया, ID 5 पे शूज़ दिया, और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को रखेंगे। जिसकी ID पे जो रखेंगे उसी की ID पे वो डेटा आएगा सॉर्टिंग करने पे। अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। उसके बाद ये तो मैंने इस सेक्शन को मैंने बता दिया कि ये कहाँ से किया। अब बचा ऐड का, मैंने बता ही दिया हूँ और आई थिंक सारी चीज़ें डन हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट वीडियो से मुझे अपडेट के लिए बताना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी अपलोड होगी अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो गई है। अपडेट करने के लिए जैसे प्रोडक्ट पे आते हैं तो हमने अभी से लगा दिया हूँ यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, अपडेट प्रोडक्ट एंड डिलीट प्रोडक्ट। तो अपडेट करोगे तो अपडेट होगा, डिलीट करोगे डिलीट होगा, लेकिन इसको मुझे आपको समझाना है तो समझाने के लिए मैं आपको इसका वीडियो बनाऊंगा, तब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अपडेट हो रहा है। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा वैसे ही हमारा प्रोडक्ट अपडेट का फॉर्म पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल नहीं हो रहा, आप लोग को दिख रहा है, लेकिन जब वीडियो बनाऊंगा तो हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग भी अपना प्रोजेक्ट की फिनिशिंग अच्छे से कर लेंगे, जिससे कि काफ़ी कूल और काफ़ी अच्छा दिखे। किसी को प्रोजेक्ट सबमिट करना हो तो आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।